हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, और टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। आज हम ये देखेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है रिलेटेड टू क्रेडिटर्स ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स एंड एडवांस पेमेंट मेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स, तो इसको आप किस तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसका ट्रीटमेंट समझने के लिए पहले एक छोटा सा फॉर्मेट हमारे पास है, उसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। सबसे पहले आपने लिखा ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, उसमें आपको ऐड करना होता है अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स ड्यूरिंग द करंट ईयर, ठीक है ना। उसके बाद आप इसमें ऐड करते हैं क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स एट द एंड ऑफ करंट ईयर, ठीक है। इतना तो आपने पहले भी देखा था। आज हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में आपको एडवांस पेमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन है तो उसको आप किस तरह ट्रीट करेंगे। तो देखिए, आप यहां पर ऐड करते हैं एडवांस पेमेंट मेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। देखिए, एडवांस पेमेंट अगर बिगिनिंग का है तब तो आप उसको ऐड करेंगे। अब आगे चलते हैं, जब आपको मिलेगा एडवांस पेमेंट एट द एंड ऑफ करंट ईयर तो उसको हमें डिडक्ट करना होगा, क्योंकि वो जो एडवांस है एट द एंड ऑफ करंट ईयर वो करंट ईयर के लिए नहीं है, बल्कि वो नेक्स्ट ईयर में इंक्लूड किया जाएगा, और ये है इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। तो क्योंकि आपने एडवांस पे किया है इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, तो वो करंट ईयर की जो परचेजेस हैं उनके साथ इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम इसको यहां पर ऐड कर रहे हैं। तो देखिए, यहां पर कुछ इस तरह से आपको मिलेगी फिगर। ये सभी चीजें यहां पर आपने ऐड कर ली, ठीक है ना। ऐड करने के बाद अब इसमें से आपको डिडक्ट करना होगा लेस। सबसे पहले क्या माइनस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। उसके बाद आपको लेस करना होता है क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। ठीक है ना। और अब हम बात कर रहे हैं एडवांस की, तो आप यहां से डिडक्ट करते हैं एडवांस पेमेंट मेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स एट द एंड ऑफ करंट ईयर। तो इनको डिडक्ट करने के बाद आपको जो फिगर मिलेगी वो होगा आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स कंज्यूम्ड, जिसको आप शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये जो फिगर यहां पर आपकी आई है ना, इसको आप कहेंगे बैलेंस टू बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है ना।
अब इस फॉर्मेट को अच्छी तरह समझने के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, इंटेलिजेंस क्लासेस रन्स अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, हाउ विल बी द फॉलोइंग आइटम्स डेल्ट वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसकी हेल्प से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो देखिए आपको गिवन है स्टॉक ऑफ मेडिसिंस 1 अप्रैल 2019 को और 31 मार्च 2020 को। तो जो 1 अप्रैल वाली बात है ये सभी हैं ओपनिंग बैलेंसेस, और 31 मार्च में जो लिखा हुआ है ये है क्लोजिंग बैलेंसेस। तो आप देखेंगे स्टॉक ऑफ मेडिसिंस ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एडवांस पेड फॉर मेडिसिंस एट द एंड ऑफ करंट ईयर, एडवांस पेड फॉर मेडिसिंस कैरीड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च के एक दिन बाद क्या आएगा, 1 अप्रैल, तो यानी कि ओपनिंग बैलेंस हो गया। फिर है अमाउंट पेड फॉर मेडिसिंस ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर कितना पे किया है आपने, 1,08,000। अब इस डेटा की हेल्प से आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखिए ये है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट, और यहां पर आप लिखेंगे टू मेडिसिंस कंज्यूम्ड, और मेडिसिंस कंज्यूम्ड की जो वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट करनी होगी थ्रू वर्किंग नोट। तो चलिए वर्किंग नोट से कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यू ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर 2019-20। तो सबसे पहले आप लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स। तो ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में आपको गिवन है ₹30,000, तो ये आ गया 30,000। इसमें आपको ऐड करना होगा अमाउंट पेड फॉर मेडिसिंस ड्यूरिंग दी करंट ईयर। करंट ईयर का मतलब हो गया, यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है ना। तो हम इसको सिंपल रखना चाहते हैं आपके लिए, तो हमने क्या लिखा है यहां पर, ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो करंट ईयर में आपने परचेज किया है 1,08,000 का, यहां पर आ गया। इसमें आपको ऐड करना होगा क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन एट द एंड ऑफ करंट ईयर, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन एट द एंड ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के एंड में आप देखेंगे क्वेश्चन में क्रेडिटर्स आपको गिवन है ₹13,000, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहां पर ऐड करना होगा एडवांस पेमेंट मेड इन दी बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, एडवांस पेमेंट मेड फॉर मेडिसिंस इन दी बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। तो एडवांस आपने पे किया है करंट ईयर की स्टार्टिंग में 2,000 का, इनको सम कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1,23,000, ठीक है ना। इसको हम ऐड कर लेते हैं 30,000 में, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1,53,000। अब इसमें से आपको डिडक्ट करना होगा, तो चलिए इसमें से लेस कर लेते हैं, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिंस। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में आपको गिवन है 5,000 का, और आपको इसमें से लेस करना होगा
क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, तो आप यहां पर लिखेंगे क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिंस इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के बिगिनिंग में क्रेडिटर्स आपको गिवन है 20,000 के, और आपको इसमें से डिडक्ट करना होगा एडवांस पेमेंट मेड एट द एंड ऑफ करंट ईयर। तो एडवांस पेमेंट मेड फॉर मेडिसिंस एट द एंड ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के एंड में आपने कितना पे किया है? आपने पे किया है 13,000। ठीक है ना, इसको सम कर लेते हैं और फिर इसको यहां से डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो इसका सम हो जाएगा 38,000। ठीक है ना, अब 153,000 में से माइनस कर देते हैं 38,000, तो आपको मिलेगा मेडिसिन्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग दी करंट ईयर रुपीज 1,15,000। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, मेडिसिन्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर ऑफ रुपीज 1,15,000। इसको आप कहाँ लिखेंगे? इसको लिखा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो देखिए, आपने वर्किंग नोट से वैल्यू कैलकुलेट की है 1,15,000, ठीक है ना, और आपको प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। तो चलिए प्रिपेयर कर लेते हैं बैलेंस शीट। तो देखिए, ये है हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और हमने आपको बताया है कि हम बैलेंस शीट में सिर्फ क्लोजिंग बैलेंसेस लिखते हैं। तो पहले आप लिखेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स, तो आप यहां पर लिखेंगे क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिंस, और ये कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? ये होने चाहिए क्लोजिंग क्रेडिटर्स। तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्वेश्चन में गिवन है 13,000 के, तो यहां पर आ गया 13,000। और यहां पर देखिए, आपको मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक, तो आप लिखेंगे स्टॉक ऑफ मेडिसिंस। क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है 5,000 का, और आप लिखेंगे एडवांस पेड फॉर मेडिसिंस एट द एंड ऑफ करंट ईयर। तो ये हो जाएगा एडवांस फॉर मेडिसिंस, ठीक है ना। क्लोजिंग वाली वैल्यू लिखनी है आपको, तो ये आपको गिवन है 13,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आपको करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशंस को भी ज़रूर आप ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नया लेक्चर लेकर आएं तो वो आपका बिल्कुल भी मिस ना हो। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।